उमेशपाल हत्याकांड का मामला आए दिन नया मोड़ ले रहा है। रोज हो रहे नए खुलासों ने सबको हैरान करके रख दिया है। अतीक अहमद ने योगी के गुस्से की आग को भड़का दिया और अगर बाबा भड़क जाते हैं तो फिर वो कैसे ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं वो आप यूपी में लगातार देख रहे हैं। उमेश हत्याकांड में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ। इस बार जांच के बाद पता चला है कि शेरे अतीक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर माफिया के ग्रुप का संचालन किया जा रहा था। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस ग्रुप का भी बॉस यानी एडमिन अतीक अहमद का फरार बेटा असद है। अब ग्रुप के सदस्यों की तलाश की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड की छानबीन के दौरान पता चला कि शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप में एक दर्जन जिलों के 50 से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए थे। इस ग्रुप को लंबे समय से अतीक का बेटा असद चला रहा था। ग्रुप में ज्यादातर अतीक के आदमी और असद की उम्र के सदस्य थे। उनसे असद मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करता था और अतीक की हनक बनाए रखने के लिए जोशीले संदेश देकर उन्हें भड़काता था। आगे अतीक के जिस खुलासे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बाहुबली अतीक की कमान को संभालने की पूरी तैयारी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन ने कर ली थी। जी हाँ, पुलिस का दावा है कि अतीक के शूटरों को लेकर वो अतीक की काली दुनिया में शामिल होने वाली थी या यूं कहे कि वो अतीक की जगह कमान संभालना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान उमेश पाल की हत्या की साजिश में शाइस्ता की अहम भूमिका सामने आई है। उसने बेटों को बचाने के लिए प्लानिंग तो की ही, साथ ही साथ वारदात के बाद पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। अब वो बाबा की पुलिस के निशाने पर है। आप लगातार देख रहे हैं कि अतीक अहमद की गंदी साजिश में उसका साथ देने वालों पर एक एक करके गाज गिर रही है। अब गाज गिरी है बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ की अवैध मुलाकात कराने वालों पर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली केंद्रीय कारागार में अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ की अवैध मुलाकात कराने के आरोप में जेलर और डिप्टी जेलर समेत 6 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए लोगों में जेलर राजीव कुमार मिश्रा, डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह, हेड जेल वार्डर ब्रजवीर सिंह, जेल वार्डर मनोज गौर, दानिश मेहंदी और दलपत शामिल है। वहीं बाप अतीक के नक्शे कदम पर चलने वाला अतीक का बेटा बचपन से ही डॉन बनने की कोशिश में था। ये खुलासा जांच के दौरान हुआ। पता चला है कि असद को छोटे सांसद कहकर बुलाया जाता है क्योंकि वो कहलवाता था और फरारी से पहले वो पोस्ट करता रहता था कि हमारी आदतें बुरी नहीं बस शौक नवाबों वाले हैं। अतीक अहमद के बेटे जेल में बंद अली और उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार 5 लाख रुपए के इनामी असद के साथ ही दोनों नाबालिग बेटे भी कई साल से इंस्टाग्राम पर सक्रिय थे। तेवर तो ऐसे समझ सकते हैं कि सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाई के दिनों में असद ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, लोग हथियार दिखाते हैं दहशत बनाने के लिए, हमारी आंखें ही काफी हैं तेरी धड़कन बढ़ाने के लिए। फिलहाल अतीक अहमद के बुरे कामों में साथ देने वाले सभी आरोपियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और एक एक करके सबको उनके कर्मों की सजा मिलेगी क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।